हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है, इन्होंने 575 के आसपास जो है वो स्कूल लेक्चरर की पोस्टें निकाली हैं, जिसमें 50 जो पोस्टें हैं वो हमारे सब्जेक्ट जूलॉजी की भी हैं। अब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो जूलॉजी है उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में हमें किस लेवल तक कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की यहाँ पे बात करता हूँ, तो सिलेबस में आपको सबसे पहला जो यूनिट देखने को मिलेगा वो है साइटोजेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसको आप सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, इसको आप सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स भी कह सकते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया सिलेबस में, इन्होंने सिलेबस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके, मतलब बड़ा छोटा सिलेबस लिखा है, लेकिन सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है। इस पहले यूनिट के अंदर टोटल 3 यूनिट है, एक है इसके अंदर सेल बायो, एक इसके अंदर है जेनेटिक्स और एक इसके अंदर है मोल बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप इसका सब पार्ट देखोगे, पहला ए वाला, इसमें सबसे पहले आपको सेल के फंक्शन के बारे में, सेल के डिफरेंशिएशन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, देन मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियस की क्या होती है, न्यूक्लियोलस का, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। मतलब पहले जो ये पहला हमारा जो सब यूनिट रहेगा, इसके अंदर हमें सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स किस किस तरीके से कैसे काम करती है। देन उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी यहाँ पे मोल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जो जो डीएनए होता है वो खुद को कैसे रेप्लीकेट कर पाता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगी, फंक्शन को, जो भी सेल के फंक्शन है उनको कैसे परफॉर्म करेगी, तो इन सारी चीजों के बारे में इस क्वेश्चन में हम करेंगे। देन जो हमारा बी वाला सब यूनिट आता है पहले यूनिट का, तो इसके अंदर फिर हम देखेंगे, पहला जो देखेंगे बेसिकली हम यहाँ पे बायोलॉजी ऑफ सेल्स एंड ह्यूमन जेनेटिक्स हमने यहाँ पे पढ़नी है, बेसिकली प्रिंसिपल्स जो ह्यूमन जेनेटिक्स के होते हैं। एंड इसमें हम कार्सिनोजेंस का इफेक्ट देखेंगे कि किस तरीके से जो कार्सिनोजेंस होते हैं कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं, इसके अलावा म्यूटेशंस कैसे कैसे होती हैं, डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमें देखना है। देन हम देखेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड हैं, और ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन का जो ह्यूमन के अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका रिलेशन भी एक्स क्रोमोसोम के साथ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड वाई क्रोमोसोम के इनहेरिटेंस के बारे में। तो अल्टीमेटली ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है जेनेटिक्स के बारे में, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, जेनेटिक्स को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड वाले यूनिट की, जो है एनिमल बिहेवियर, और इन्होंने यहाँ पे खुद बोला है एन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन इथोलॉजी। अब बच्चे एनिमल बिहेवियर को, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर जो है इसको हम इथोलॉजी बोलते हैं, और इथोलॉजी को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इथोलॉजी के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन है वही पढ़ना है कि माइग्रेशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट क्यों करेगा, ऐसा बिहेवियर वो किस तरीके से शो करता है। देन हमने नेविगेशन को पढ़ना है, इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पेरेंटल केयर या पेरेंटल उसका बिहेवियर कैसा है, वो पेरेंटल केयर शो क्यों करता है। अब आपने सुना होगा कि सांप जो होता है, जो सपनी के जो बच्चे होते हैं वो अपने ही अंडों को खा जाती है, जबकि अगर किसी बर्ड के एग्स होंगे तो वो उसकी कितनी केयर करता है। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेरेंट्स हैं उनके अंदर जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से डिवेलप होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर भी निकलता है सेक्सुअल सिलेक्शन, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहां पे अगर मैं पीको की एग्जांपल लेता हूं, तो जो पीहेन होती है एंड जो पीकॉक है, अब पीकॉक के बाद बहुत अच्छे अच्छे फेदर्स हैं, कलरफुल फेदर्स हैं, क्यों हैं, ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर पाए। तो इस तरह के सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ना है, इसके अलावा कि अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पढ़ने वाले हैं फीरोमोन्स का, है ना। और उसके बाद टेरिटरी के बारे में देखेंगे, हायरार्की के बारे में देखेंगे,
एंड फिर हमने देखना है टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कभी कभी हैबिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कभी कभी इम्प्रिंटिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और क्लासिकल लर्निंग के ऊपर जिसको यहाँ पे क्लासिकल कनोलियोनिंग बोला है, तो इसके ऊपर भी एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा है, हमने दो यूनिट्स को देखा, अब हम बात करते हैं जो हमारे बाकी के यूनिट्स हैं उसमें क्या कुछ है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट वाले यूनिट्स। तो हमारा अगला जो यूनिट रहेगा दैट इज सिस्टमैटिक एंड इवोल्यूशन। अब देखो सिस्टमैटिक एंड इवोल्यूशन थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अब सिस्टमैटिक्स के अंदर हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको उसके जो करेक्टर्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे, उसकी नेमिंग के बारे में देखेंगे एंड उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें कहां पे आती हैं, ये टैक्सोनॉमी में आती है। एंड इसके अंदर ये जो पहला वाला आपको, ये पहला वाला जो आपको टॉपिक्स के जो लाइन दिख रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना यहाँ पे लिखा है टैक्सोनॉमी का कलेक्शन करेक्टर्स एंड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे ना कुछ टर्म्स आते हैं, नियो टाइप क्या होता है, पैरा टाइप क्या होता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो इन टर्म्स के बारे में भी हम क्लासेस के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आई, किसने दी, थ्री किंगडम कैसे, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम। और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्पीसिएशन का। देखो एक स्पीसिएशन का टॉपिक है एंड इसी का ही यह सब टॉपिक है, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, पैरापैट्रिक स्पीशीज। तो ये सब कुछ स्पीशिएशन के अंडर ही हम करेंगे। एंड इससे पहले हमने करना है स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो स्पीशीज कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ना, तो ऐसे बहुत सारे हमें मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे स्पीशीज कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद कुछ बेसिकली हम कुछ कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, इंटर स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे एंड उनकी वेरिएशंस एंड इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड फाइनली हमने यहाँ पे पढ़ना है किसको, इवोल्यूशन को। तो इवोल्यूशन भी किसका हमने पढ़ना है, यहाँ पे मेन हमारा जो इवोल्यूशन के अंदर फोकस रहेगा वो इवोल्यूशन ऑफ मैन, ह्यूमन के इवोल्यूशन के ऊपर फोकस रहेगा। अब बोलोगे सर इवोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ से डार्विन तो गायब है, तो बच्चों डार्विन गायब नहीं है, इन्हीं शब्दों के बीच में कहीं डार्विन छुपे हुए हैं। क्योंकि जब हम स्पीशिएशन को पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक नई स्पीशीज का निर्माण होता है, एक स्पीशीज कैसे बनती है, तो उसके लिए हमें जो भी हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं इवोल्यूशन के, चाहे आप लेमार्किज्म की बात कर लो, चाहे आप डार्विनिज्म की बात कर लो, हमें वो सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो उनको वो सारी चीजें भी यहाँ पे बीच बीच में छुपा के दे रखे, तो उनके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद अगला जो यूनिट आता है वो फोकस करता है हमारे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से। अब देखो ये आपके सिलेबस में ना इकोलॉजी जो है ना, इकोलॉजी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला हमारा यूनिट इकोलॉजी का आता है, ये वाला इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इसमें हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे एक इकोसिस्टम के अंदर वाटर की सर्कुलेशन, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहां पे बोला हुआ है। इसके अलावा देखो एक इकोसिस्टम के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है साइक्लिंग ऑफ मटीरियल, कि जो भी इकोसिस्टम के अंदर एक मटेरियल होता है, जो भी मैटर होता है, वो किस तरीके से रिसाइकलिंग बार बार रिसाइकल होता रहता है। तो हमने साइकलिंग ऑफ मटेरियल को भी करना है। उसके बाद हम वहां पे देखेंगे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एक इकोसिस्टम के अंदर ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिसाइकलिंग बोल लो आप मैटर की एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी की, और इन्हीं चीजों को हमने पढ़ना है यहाँ पे डिटेल में। देखो ध्यान से यही लिखा है, साइकिलिंग ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल है, बायोजीम केमिकल साइकिल, कार्बन फॉस्फोरस नाइट्रोजन साइकल्स। इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछते हैं कि भाई प्लांट जो था उसने इतनी एनर्जी को बनाया और इतनी थोड़ी सी एनर्जी उसने खुद के लिए यूज की, बाकी उसने स्टोर कर ली। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ेंगे। एंड ये देखो एनर्जी फ्लो इन डिफरेंट इकोसिस्टम, तो मैंने वही बोला ना, एनर्जी फ्लो एंड रिसाइकलिंग ऑफ मैटर या फिर साइकिलिंग ऑफ मैटर, इन चीजों को हमने अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा क्योंकि एनवायरमेंट की बात है, एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, लैंड पोल्यूशन की बात करेंगे, सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे एंड इनके कंट्रोल्स के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये तो इन दो यूनिट्स के बारे में बात थी। अब बात करते हैं बाकी जो अगले यूनिट्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट आता है यहाँ पे लिम्नोलॉजी। अब देखो लिम्नोलॉजी यहाँ पे क्या होता है, तो लिम्नोलॉजी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं,
तो लिम्नोलॉजी का यहाँ पे बेसिक सा मीनिंग पता क्या होता है बच्चे, एक मिनट इसको सेट कर ले थोड़ा सा, है ना। देखो लिम्नोलॉजी क्या होता है, कोई भी एक वाटर बॉडी होती है ना, कोई भी एक वाटर, बेसिकली बोलते हैं स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर। सपोज करो एक लेक है तो उसके अंदर पानी है, एक रिवर है उसके अंदर पानी है, तो जो इनलैंड वाटर होता है उस वाटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी बोलते हैं। अब हम वाटर की जो स्टडी करते हैं, वाटर के अंदर जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर क्या है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुछ केमिकल जो फैक्टर्स होते हैं जैसे उसकी पीएच क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसमें कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन है इसके बारे में देखेंगे, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी देखेंगे। इसके अलावा उसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे कैसे वहां पे फ्लोरा एंड फोना प्रेजेंट, तो इन सारे फैक्टर्स को हम कहां पे स्टडी करते हैं, लिम्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले लिम्नोलॉजी में हम देखते हैं वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर एज ए मीडियम वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। आप खाने के बिना 10 दिन 15 दिन तक रह सकते हो लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हो, है ना। इसके अलावा जो वाटर बॉडी होती है उसमें लाइट की क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी डेप्थ तक जो लाइट है वो जाएगी, एंड लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो यही डिसाइड करता है कि उस वाटर बॉडी में फ्लोरा एंड फोना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे प्रेजेंट, किस तरह के रहेंगे। इसके अलावा हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन आपने फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन होती है, सबसे लंबे पेड़ होते हैं, फिर छोटे पेड़ होते हैं, फिर ऐसे श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, देन ग्रासेस होती हैं। तो ऐसे ही हमें एक वाटर बॉडी के अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है कि भाई इतने हिस्से में लाइट है तो यहाँ पे कुछ और तरह का ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कुछ और तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो ऐसा सेम फंडा जो होता है वो हमें वाटर बॉडी के अंदर भी देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं वो, ये चीजें डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। इसके अलावा फेट ऑफ हीट इन वाटर, मतलब वाटर बॉडी के अंदर हीट की फेट क्या है ना। इसके अलावा हम देखेंगे वही चीजें डिजोल्व गैसेस के बारे में, वाटर एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा पानी के अंदर और कौन कौन से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, पीएच क्या है पानी की, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर कितनी है, एंड न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, केमिकल फैक्टर्स की जो मैंने बात की थी, है ना। फिर हम देखेंगे प्लैंकटॉन्स, जू प्लैंकटॉन्स हैं, फाइटोप्लैंकटॉन्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देन अगर न्यूट्रिशन, फॉस्फोरस रिच न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिशन एकदम से वाटर बॉडी के अंदर आ जाए तो क्या होगा, फाइटोप्लैंकटन बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे और इस चीज को हम बोलते हैं यूट्रोपिफिकेशन। देन अगेन हम इसके अंदर भी बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में, बात करेंगे कि एक्वाटिक जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर किस किस तरीके से कैसा कैसा पोल्यूशन हो सकता है, एंड इस पोल्यूशन से हम किस तरह से बच सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करके यहाँ पे हम बच सकते हैं, तो इन चीजों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इकोलॉजी, मैंने बोला ना इकोलॉजी को ही डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब ये आगे इकोलॉजी का ही एक पार्ट है, नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। याद रखना कभी भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं जाता जिसमें कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो इकोलॉजिकल जोन्स हैं उनको पढ़ना है, हमने वाइल्ड लाइफ को पढ़ना है कि किस एरिया, इंडिया के किस एरिया के अंदर कैसी वाइल्ड लाइफ है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसी वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है, वहां पे कैसे जो एनिमल्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बच्चों कमेंट, अगर आप वीडियो देख रहे हो और जम्मू कश्मीर से हो तो कमेंट में आप अपने स्टेट के एनिमल का नाम जरूर बताना मुझे, है ना। हाँ अब स्टेट नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है ना, तो आप बताना जरूर मुझे एनिमल का नाम जो भी आपको पता है। इसके अलावा हम मेथड्स एंड टेक्निक्स को देखेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को स्टडी कर सकते हैं, जैसे टाइगर्स को किस तरीके से देखा जाता है, तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पब मार्क होता है उसको, पब मार्क टेक्निक बोलते हैं। इसके अलावा जो है हम कंजर्वेशन के ऊपर काम करेंगे, हमने सेंचुरीज के बारे में देखना है, नेशनल पार्क्स के बारे में देखना है, एंड उनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देखना है। याद रखना यहाँ पे ऐसे सेंचुरीज या नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है तो हम उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, अदरवाइज तो हमें पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां पे भी वाइल्ड सेंचुरीज प्रेजेंट है हमें सबको ही देखना है, है ना। चलिए तो ये हमारा यूनिट यहीं पे खत्म होता है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले यूनिट की। अगला यूनिट हमारा है, बड़ा प्यारा सा यूनिट है और उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर सिंपल सी भाषा में बोले हम इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलेंगे, बहुत ही प्यारा यूनिट है। अब देखो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर खास क्या है, एक तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नाम सुनकर ना बच्चे डर जाते हैं। देखो ध्यान से सुना, पहले सिलेबस को देखो, क्या बताना है हमने इसके अंदर, डेवलपमेंट क्या होती है,
डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एग स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, मतलब हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ओजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, वही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजोआ जो मतलब किस तरीके से जो एक एग होता है वो स्पर्म को रिकॉग्नाइज करता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें फर्टिलाइजेशन के अंदर ही आ जाती है। तो हमने फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हमने जो वाइटल लाइन मेम्ब्रेन होती है, तो वाइटल लाइन जेनेसिस इसको भी हम देखेंगे। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर होती है क्लीवेज स्टार्ट होती है। हमने क्लीवेज के पैटर्न के बारे में देखना है, हमने देखना है गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, हमने देखना है कि कौन सी मेम्ब्रेन किस तरह के ऑर्गन्स को बना रही है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फेट मैप। तो इन सारी चीजों को बड़े ही प्यारे तरीके से पंसल एकेडमी आपको पढ़ाने वाली है ना। तो जुड़े रहना YouTube पे भी, और आप हमारा जो कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा देखो, अब देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली नाम दिया चिक के बारे में। हमने चिक के अंदर मुर्गी, उसके अंदर हमने डेवलपमेंट देखनी है ऑर्गेनोजेनेसिस लेवल की, मतलब कुछ ऑर्गन्स की डेवलपमेंट देखनी है। देखो यहां तक तो हम सब कॉमन पढ़ेंगे, यहां तक तो ये सब कुछ हमने ह्यूमन के अंदर भी पढ़ना है, लेकिन ऑर्गन्स जो है कैसे हार्ट बन रहा है, कैसे ब्रेन बन रहा है, कैसे हार्ट बन रहा है, कैसे आई, ये आई के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं चिक के अंदर, कि चिक के अंदर ये सारी चीजें कैसे बनती है, कैसे चिक के अंदर डोर्सल एक्सिस जो है वो डिसाइड होती है, वेंट्रल एक्सिस डिसाइड होती है, पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर एक्सिस, डर लग रहा है, अरे बहुत सारा है, एंटीरियर एक्सिस, पोस्टीरियर एक्सिस, वेंट्रल, डोर्सल, है ना, बहुत बहुत आसान है। इसके अलावा देखो हमने लास्ट में पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये जो हमारा यूनिट है ना ये रिप्रोडक्शन के ऊपर है। जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे उस रिप्रोडक्शन को तो कवर करना ही करना है। इसके अलावा हम डेवलपमेंट को भी डिटेल में देखेंगे, एंड इसके अलावा हमने जो है जो जो बेसिकली डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से देखेंगे। एंड यहाँ पे एक एनिमल हमने और ऐड कर दिया यहाँ पे चिक को, तो चिक को भी हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चीजें वही हैं, थोड़ी सी डिटेल में दी हुई है, वैसे ही हमें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके चले जाओ और आप सोचो कि आपके एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको चिक की डेवलपमेंट भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हॉर्मोन्स का बड़ा रोल है एंडोक्राइनोलॉजी का, और इसी कमी को पूरा करते हुए हमारा जो सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक यूनिट और ऐड कर दिया कि भाई देखो आपको फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको एंडोक्राइनोलॉजी को भी पढ़ना पड़ेगा। अब फिजियोलॉजी के अंदर बहुत से डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे सबसे पहले आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। न्यूट्रिशन के अंदर हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारी बॉडी में रोल क्या है और किस तरीके से हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये तो तब देखेंगे ना हमारी बॉडी डाइजेशन कर क्यों रही है, हम देखेंगे इंपॉर्टेंस, देखेंगे कि न्यूट्रिशन की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स यहाँ पे काम करते हैं, एंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम हर एक चैप्टर के साथ उसके जो क्लिनिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको भी देखेंगे। और याद रखना ये जो चीज है ना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, ये पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं कराएगा, इसलिए हमारी जो बंसल एकेडमी है बहुत अच्छी एकेडमी इसलिए मानी जाती है, क्योंकि कंटेंट के बेसिस पे हम काम करते हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी के साथ साथ हम हर एक ऑर्गन के हर एक सिस्टम के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि अगर ये काम नहीं होगा तो भाई अगर किडनी फिल्ट्रेशन करना रोक देगी तो उसे ब्लड की शुगर पे क्या इफेक्ट होगा, ब्लड के प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। एक एक चीज को प्यार से करेंगे, मजे से करेंगे, है ना। चलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, उसके बाद हम आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जो फूड हमें तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी के लिए फूड तो बॉडी में पहुंच गया, लेकिन उस फूड से एनर्जी बनाने का काम किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। अरे आप बोलोगे सर रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम एनर्जी बनाने का, बिल्कुल बच्चे जो आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस करते हो, ये सब कुछ रेस्पिरेशन में आता है। अरे सांस लेना सांस छोड़ना ये तो ब्रीथिंग में आता है ना, है ना, ये तो ब्रीथिंग होती है। तो हम पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अरे भाई इंजन में फ्यूल तो डाल दिया, एनर्जी तो निकाल ली, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बने उनको इंजन से बाहर भी तो निकालना है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके फिर हम बात करते हैं, अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, फूड भी आ गया, फूड जाएगा कहाँ पे, अल्टीमेटली जो भी आप खाना खाते हो वो ब्लड में चला जाता है,
जो भी एनर्जी बनेगी ब्लड में चली जाएगी, है ना, जो भी गैसेस वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड ही करवाएगा। तो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ो, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ो, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ो, इन तीनों सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसलिए हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे, है ना, जिसके अंदर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से लेके यहां तक सब कुछ इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ किसके साथ लिंक कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, और इसको भी हमने अच्छा खासा देखना पड़ेगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पोस्टमैन भी बोलते हैं हमारी बॉडी, पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं हमारी बॉडी का, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ने का काम करता है, है ना। और ब्लड इज ए फ्लूड कनेक्टेड टिश्यू, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। देन ये सारी चीजें यहाँ पे ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब हमने यहाँ पे ईसीजी, यहाँ पे टॉपिक आता है ईसीजी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ईसीजी हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, हमेशा रट्टा लगाया होगा आपने ईसीजी को लेके, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि आप ईसीजी को समझ के करोगे, है ना। चलिए फिर हम उसके बाद देखेंगे मसल्स, भाई खाना खाने के लिए, खाने को पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट बड़ी जरूरी है, मसल्स का काम करना है। तो मसल्स काम कैसे करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, फिर इतनी सारी चीजें बॉडी में चल रही हैं, इतनी सारी चीजें बॉडी में चल रही, इतने सारे सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं, तो भाई हर सिस्टम को एक दूसरे के बारे में बता कौन रहा है, तो नर्वस सिस्टम। फिर हम देखेंगे फिजियोलॉजी हमारे नर्वस सिस्टम की, कि नर्व इम्पल्स क्या होती है, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स होती है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करती है। देन एंडोक्राइनोलॉजी, भाई साहब इसको नहीं भूलना, एंडोक्राइनोलॉजी कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है नर्वस सिस्टम के साथ मिलके, है ना। और इतना कुछ हो गया तो जम्मू कश्मीर वाले पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा है, इतना कुछ कर लिया, थोड़ा सा फिशेज के बारे में भी पढ़ लो ना। तो एक यूनिट और उन्होंने, लास्ट यूनिट है ये वाला, इन्होंने ऐड किया हुआ है इक्टोलॉजी। तो इक्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी बेसिकली किसको करते हैं, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फिशेस को। तो यहाँ पे हमने किसको स्टडी करना है, फिशेस को। अब यहाँ पे हमें हर तरह की फिश पढ़नी है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे फिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ज्योग्राफी के बेसिस पे, कि हिल्स में कैसी फिशेस हैं, डीप सी में कैसी फिशेस हैं, फिश का एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, एंडोस्केलेटन कैसा होता है, फिशेस के पास जो इनके फिन्स हैं इनका ओरिजिन कैसे रहेगा, मतलब यहाँ पे बात हो रही है एवोल्यूशन की। ऑस्मोरेगुलेशन, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अगेन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिशेस के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस, कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जो लाइट एमिट करती हैं बायोल्यूमिनेसेंस, और फिश के पॉइजन के बारे में, जैसे आपने सुना होगा एक सबसे सबसे पॉइजनस फिश कौन सी होती है, स्टोन फिश, एक होती है फुगु फिश। तो ये जो स्टोन फिश है ये सबसे ज्यादा पॉइजनस फिश है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, पता है कुछ लोग इसको खाते हैं, कॉन्टैक्ट साइन होता है कि भाई देखो हम स्टोन फिश खा रहे हैं, और अगर हमारी इसका हमें कोई भी तरह का नुकसान होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरा का पूरा ऐसे कॉन्टैक्ट होता है जब भी कोई भी ये फिश खाता है, और इस फिश को बनाने के लिए जो कुक होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, है ना। चलिए तो इस तरीके से हमने फिश के पॉइजन वगैरह के बारे में भी जो चीजें हैं वो पढ़नी है, है ना। तो ये हमारे कुछ यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स को हमने अच्छे से करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमारे चैनल के साथ यूट्यूब पे बने रहे, हम आपको यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, कुछ लेक्चर्स है उनको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और सिर्फ जियोलॉजी के नहीं, आपके अगर और भी कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के, चाहे वो बॉटनी की कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की कर रहे हैं, आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो दिया जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।